फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में अगर आपकी फैब्रिक की जो विद है अगर कम है, देखिए 30.5 इंच विद है इसकी, फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 30.5 इंच है, तो इसमें अफगानी सलवार बनाएंगे बिना किसी जॉइंट लगाए। जॉइंट हम नहीं लगाएंगे इसके अंदर और फुल घेर में बनाएंगे, काफ़ी अच्छा घेर आएगा इसके अंदर। तो किस तरीके से बनाएंगे फुल वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। इस तरीके के आपने सूट्स देखे होंगे आजकल बहुत चल रहे हैं। ये कुर्ती है इसकी, देखिए कुर्ती का फैब्रिक इस तरीके से है, ये भी सेम इसकी चौड़ाई इतनी ही होती है पूरे में, देखिए इस तरीके से पार्टीशन दी होती हैं इसके अंदर। और देखिए इस तरीके से इसके अंदर जो है ये एक दुपट्टा भी है, स्टॉल निकली थी ये भी मैंने अलग कर दिए कट करके। तो ये इस तरीके से जो है सूट आता है अगर आपने देखा हो तो। एंड हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति फैशन बुटीक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो है ये फैब्रिक हमने डबल फोल्ड करके लेना है ये, और ये जो है लेंथ वाइज है फैब्रिक, और जो ये है ये चौड़ाई में जो है हमारा ये 30.5 इंच है। देखिए इस तरीके से 30.5 इंच जो है हमारा ये चौड़ाई में फैब्रिक है। तो अब हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड में एक बार हम इस फैब्रिक को डबल फोल्ड में लेंगे, एंड डबल फोल्ड में लेने के बाद इसे इस तरीके से एक बार और फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से कुछ, देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये हमने लगभग जो है 25 से 26 इंच आप ले सकते हैं, यहाँ पे जितना आपको घेर चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको। देखिए इस तरीके से मैं 26 इंच इसमें ले लूंगी। देखिए इस तरीके से 26 इंच लेके जो है इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे फैब्रिक को। देखिए और जो ये हमारा फैब्रिक ये जो हमारा ये आगे बच रहा है इसमें जो है हमारी पॉकेट बनेगी और इसमें जो है बेल्ट बनेगी। तो एक मार्क लगाएंगे हम 26 इंच का। देखिए इस तरीके से वो पूरे में इसे स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से ये जो हमने स्ट्रेट पूरे को इसको कर लिया है अच्छे से, देखिए इस तरीके से ये जो है हमने इसको स्ट्रेट कर लिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इसमें जो है हमारी सलवार है जो हमारी 38.5 इंच की है, देखिए 38.5 इंच की हमारी इसमें जो है सलवार बन के तैयार होगी। तो इसमें जो हम बेल्ट बनाएंगे वो बनाएंगे 7.5 इंच की, तो 7.5 इंच इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 38.5 में से 7.5 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 31 इंच, यानी कि 31 इंच। तो 31 इंच हमने इसमें लेना है अगर हमने पोंचा जो है अपना 1 इंच का बनाना है। अगर हम पोंचा 1.5 इंच का बनाना चाहते हैं तो हम इसमें 1/2 इंच और माइनस कर देंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पोंचा कितना चौड़ा बनाना चाहते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं जो है इसमें पोंचा जो बनाऊंगी वो 1.5 इंच का बनाऊंगी, तो इसलिए मैं ये जो है 30.5 इंच में लूंगी। तो इसमें से जो है मैं 30.5 इंच इसमें लूंगी इसको, क्योंकि हम जो पोंचा बनाएंगे वो हम बनाएंगे 1.5 इंच का। देखिए इस तरीके से ये हमारा 30.5 इंच ही है इसमें, तो ये मैं एज इट इज हमारी ये लेंथ जो है हमारी यही एज इट इज आएगी। तो हम बॉटम का मार्क लगाएंगे, जो बॉटम है हमारा राउंड में 13 इंच है, तो हम यहाँ पे जो 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे 14 इंच पे एक मार्क। देखिए इस तरीके से ये एक मार्क लगाएंगे हम। अब एक मार्क जो है हम लगाएंगे आसन का। तो आसन जो है इसमें हम यहाँ पे लेंगे, देखिए इस तरीके से ये आसन लेंगे, आसन का मार्क लगाएंगे। तो आसन जो है 15 इंच हम जो है आसन इसमें रेडी बनाएंगे। तो इस तरीके से ये 1/2 इंच यहाँ पे, देखिए इस तरीके से 1/2 इंच में मार्क लगाएंगे और यहाँ पे हम 7.5 इंच रखेंगे क्योंकि 7.5 इंच की हमारी बेल्ट है। तो इस तरीके से रखेंगे, तो 15 इंच हमने जो है अपना आसन रेडी करना है। तो 15.5 देखिए इस तरीके से 15.5 पे एक मार्क लगाएंगे। देखिए इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये जो है यहाँ से 8.5 इंच आ रहा है। तो हमारा जो आसन है वो बनके जो रेडी होगा वो होगा 15 इंच में। देखिए इस तरीके से अब जो ये हमने बॉटम का मार्क लगाया था और जो ये हमने आसन का मार्क लगाया था, इन दोनों को हम स्ट्रेट मिला देंगे। देखिए अब इसे हम कट कर देंगे जो हमने मार्क लगाया है। देखिए इस तरीके से जो है ये हमने कट कर दिया है फैब्रिक को, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी अफगानी सलवार जो है कट गई है। तो यहाँ पे एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे एंड एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये दोनों साइड्स में जो है हमने कट लगा लिए हैं। अब देखिए इसे ओपन करेंगे हम और यहाँ पे भी हम एक क्रॉस का मार्क लगा लेंगे। देखिए इसे अभी हम अलग रख देंगे और यहाँ पे हम एक क्रॉस का मार्क लगा लेंगे।
अब ये दोनों साइड्स को जो है हम ज्वाइंट करना है इसमें हमने, और इसी तरीके से यहाँ पे भी इन दोनों साइड्स को हमने ज्वाइंट करना है। देखिए आसन पे हमने स्टिच लगा ली और एक टॉप स्टिच भी हमने इस पर लगा दी है। अब पूरे राउंड में एक 5 नंबर की स्टिच लगाएंगे हम। देखिए इस तरीके से पूरे राउंड में हमने 5 नंबर की जो है स्टिच लगानी है। देखिए 5 नंबर की ये स्टिच लगाने के बाद जो है हम नीचे बॉटम में जो है प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए 1/2 इंच की समथिंग ये प्लेट्स हम डालेंगे, छोटी छोटी प्लेट्स हमने डालनी है बॉटम पर। तो देखिए इस तरीके से जो है हम प्लेट्स को डाल लेंगे। एक लेग में ये हमने डाली है और दूसरे लेग में जो हम डालेंगे प्लेट्स, तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको बताऊंगी इसमें जो, जिससे कि आप देखिए इसी प्लेट्स हम डालेंगे अब आगे की साइड, वो हमने पहले किस तरीके से डाली थी कि सामने की साइड डाली थी और ये अपनी तरफ देखिए इस साइड से डालेंगे इस प्लेट्स को, तो डायरेक्शन जो है इसकी चेंज कर देंगे। ये डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, जब सलवार बनेगी तो उसमें जो है प्लेट्स दोनों एक ही साइड में आएंगी, दोनों बैक साइड पर जाएंगी। देखिए अब हम पोछा बनाएंगे तो ये 14.5 इंच आ रहा है हमारा, तो इससे जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके हम पेस्टिंग को लेंगे। तो 14.5 इंच आ रहा है तो 16 इंच की पेस्टिंग हम कट करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगी वो हम बाद में कट कर देंगे। 1.5 इंच चौड़ाई में हमने इस पेस्टिंग को लेना है। देखिए इस तरीके से पेस्टिंग ली है 16 इंच लेंथ में और 1.5 इंच चौड़ाई में। इस तरीके से हमने पेस्ट कर लिया और 1/2 इंच इस पर फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरीके से और फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा करके लेंगे। और चौड़ाई में अगर आप देखें तो ये 4 इंच की है और 1/2 इंच के गैप पर हमने इस पेस्टिंग को पेस्ट किया है। अब यह इस तरीके से हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे और इस पर जो है स्टिच कर देंगे। जो सलवार है उसकी हमने रॉन्ग साइड ली है और देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रख के हमें स्टिच कर दिया है और राइट साइड पे अब टर्न करा है हमने और इसके ऊपर अब एक स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरीके से अब एक कॉर्नर पे टॉप स्टिच लगाएंगे हम। उसके बाद जो है आप सिंपल इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। देखिए इसमें एक पैर के गैप पर दोनों साइड्स में मैंने मार्क लगा लिया है और इस तरीके से मैं राउंड राउंड करके इसमें शेप बना दूंगी। देखिए इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना दूंगी एंड ये एक बड़े बड़े हम मैंने इस तरीके से राउंड बना दिए हैं। और देखिए इस तरीके से एक मैं इस तरीके से जिगजैग बनाऊंगी इसके अंदर। पहले स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे फिर उसके बाद एक बैक स्टिच देंगे, उसके बाद फिर स्ट्रेट, उसके बाद बैक, इस तरीके से करके जो है ये डिज़ाइन बन जाएगा। आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी बना सकते हो जो आपकी चॉइस हो। तो इसमें डिज़ाइन में कुछ नहीं है, जो आप बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से जो है पोछे का डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है एंड जो है अब इसकी फिटिंग वाली स्टिच लगा देंगे। सिंपल जैसे आप सलवार की स्टिच लगाते हैं उसी तरीके से इसमें भी हम स्टिच को लगा देंगे। देखिए इस तरीके से पूरे में इसको स्टिच को लगाने के बाद अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा ये मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है इसको कट कर देंगे। अब हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए देखिए हमने मेज़रमेंट जो लेना है वो 23 इंच लेंथ में, देखिए इस तरीके से 23 इंच जो है लेंथ में और 6.5 इंच जो है चौड़ाई का फैब्रिक है ये। इस तरीके से फोल्ड करेंगे लगभग 8.5 इंच तक। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो है 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम एक बैक स्टिच देंगे एंड उसके बाद फिर सिंगल स्टिच हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद फिर एक बैक स्टिच देंगे। देखिए इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे हम। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हम स्टिच को लगा लेंगे। सबसे पहले बैक स्टिच दे के पक्का करेंगे, उसके बाद सिंगल स्टिच लगाएंगे और फिर से यहाँ पे बैक स्टिच दे देंगे। देखिए इस तरीके से और अब इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में जो है इसमें कट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से सेंटर में कट लगा लिया है। तो अब जो है इसके अंदर हम बेल्ट में इसको अटैच करेंगे। तो बेल्ट में अटैच करने से पहले देखिए हम किस तरीके से इस पर स्टिच लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1/2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, उसके बाद 5.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। देखिए जो 1/2 इंच पे मार्क लगाया है यहाँ पे बैक स्टिच देके पक्का दे करेंगे और जो 5.5 इंच पे मार्क लगाया है उसमें हम 5 नंबर की स्टिच लगाएंगे, फिर नॉर्मल वही स्टिच लगा देंगे। अब इसे फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरीके से इसे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए एक स्टिच हमने लगा ली है एंड इसके बाद जो हमने 1/2 इंच का मार्क लगाया था उसी साइड में हमने इसको पॉकेट को यहाँ पे स्टिच करना है। और देखिए इस तरीके से इस पर अब यहाँ पे भी स्टिच हम लगा देंगे, पॉकेट को इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से जो है पॉकेट हमारी लग गई और जो हमने ये फ्री सिलाई लगाई थी 5 नंबर की इसको हम निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से ओपनर की जो हेल्प से मैं इस स्टिच को निकाल दूँगी जो 5.5 इंच पर हमने फ्री स्टिच लगाई थी। देखिए इस तरीके से जो है हमारी पॉकेट बनके रेडी हो गई है।
अब हम राउंड में जो है इलास्टिक लगाएंगे। उससे पहले देखिए इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे और दूसरी साइड में कट लगाएंगे, फिर इसको इस तरीके से मिलाएंगे और एक कट और लगाएंगे। फिर जिस टाइम हम बेल्ट लगाएंगे तो ये कट की हेल्प से ही हम इसको लगाएंगे, तो इक्वली हमारी बेल्ट लगेगी। तो देखिए इस तरीके से अब जो हम इलास्टिक लेंगे, इलास्टिक टोटल हमारी लेंथ जो है 33 हमने ली है। ये आपको किस तरीके से लेना है, जितनी भी आपकी वेस्ट है उस पर -4 इंच करके लेना है। तो 37 इंच वेस्ट का मैंने इसमें जो बना रही है साइज़, वो 37 इंच वेस्ट है, तो -4 इंच करके 33 इंच मैंने लिया है। देखिए इस तरीके से पक्का करके मैं इसके अंदर लगाऊंगी इलास्टिक को, एंड राउंड में पूरे अच्छे से हम इसको लगा लेंगे। तो इलास्टिक पर स्टिच नहीं आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है लगाते समय। देखिए पूरे में इसी तरीके से इसमें स्टिच को हम लगा लेंगे, इलास्टिक को एडजस्ट करते जाएंगे और पूरे में हम जो है स्टिच इसमें लगाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये जो है स्टिच हमारी लग गई है। उसके बाद इलास्टिक के ऊपर एक स्टिच लगाएंगे, 5 नंबर की स्टिच लगाएंगे हम। इलास्टिक को खींचते हुए इसके ऊपर एक स्टिच हम लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से ये जो है हमारी स्टिच लग गई है और बेल्ट हमारी रेडी है। अब हम बेल्ट लगाएंगे, हम बेल्ट को जो है सलवार के साथ अटैच करेंगे। तो ये पॉकेट जो है हम राइट साइड पे लगाएंगे, तो इस तरीके से ये हमारी प्लेट्स जाएंगी राइट साइड वाला, ये लेग है तो राइट साइड पे हम इस तरीके से ये साइड में यहाँ पे जो हमारी पॉकेट आएगी। तो इस तरीके से पॉकेट वाला जो हमने साइड है वो इसके साथ अटैच करेंगे, जो हमने साइड में कट लगाया था। देखिए इस तरीके से कट्स को हम कट्स के साथ मैच करेंगे और इसमें पिन लगा के इसको सेट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जो नेक्स्ट हमने कट लगाया था बेल्ट में, उसको हम आसन के साथ अटैच करेंगे। अब इस तरीके से एक जो और नेक्स्ट उसके बाद हमने कट लगाया था, उसको हम साइड वाले से साइड जो है हम अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से जो है हम अब ये जो लास्ट हमारा कट है, इसको जो है हम बैक वाले पार्ट के जो आसन की स्टिच है उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से हम सभी जो है हमने कट्स लगाए थे उनको मैच कर देंगे। अब जो इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है हमारा सलवार वाला, उसमें जो है हमने रिंकल्स डालेंगे, हम प्लीट्स डालेंगे। तो जो हमने फ्री स्टिच लगाई थी 5 नंबर की, उसको इस तरीके से खींचेंगे हम और जितनी हमारी बेल्ट है उसके बराबर जो है हम इसको एडजस्ट करेंगे प्लीट्स डाल के। देखिए धागा खींचते जाएंगे और हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारी जो है प्लेट्स एडजस्ट हो गई हैं। तो आसन की साइड से जो है हम 2 इंच को छोड़ के हम प्लेट्स डालेंगे, 2 इंच तक हम प्लेट्स नहीं डालेंगे। इस तरीके से दूसरी साइड में भी यहाँ पे भी जो है हम एक धागे को लेंगे इस तरीके से खींचते हुए, यहाँ पे भी जो है हम प्लेट्स को एडजस्ट कर लेंगे। जितनी हमारी बेल्ट है उसी के बराबर जो है हमें इसको खींच के एडजस्ट कर लेना है। तो इसी तरीके से 2 साइड से मैं जो है ना इसमें सेट कर लिया है, बाकी जो 2 साइड्स हैं वहाँ पे भी हम इसको सेट कर लेंगे। तो चारों साइड से इक्वली हम इस तरीके से हमारा हो जाएगा। एंड इसके बाद आसन की साइड से 2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और 2 इंच तक हमने कोई भी प्लेट्स नहीं डालनी, प्लेन रखना है एकदम। इस तरीके से स्टिच लगाएंगे एंड उसके बाद फिर हम इस पर स्टिच लगा देंगे पूरे राउंड में प्लेट्स को एडजस्ट करते हुए। देखिए इस तरीके से जो है हमने स्टिच को लगाना है इसमें, और ये हाफ बेल्ट में हमारी स्टिच लग गई है। इसकी इसी तरीके से और पूरी बेल्ट में हम स्टिच लगा लेंगे। देखिए राउंड में स्टिच लगाने के बाद अब एक टॉप स्टिच लगाएंगे, मार्जिन को ऊपर की साइड करते हुए इस पर एक हम टॉप स्टिच लगा देंगे राउंड में। तो ये जो पॉकेट है इसको भी हम ऊपर की साइड में करेंगे, इस तरीके से ऊपर की साइड रखेंगे, नहीं तो ये स्टिच हो जाएगा। और इसके ऊपर भी हम इस पर एक जो है दब सिलाई लगा देंगे, पूरे राउंड में इसमें लगाएंगे हम स्टिच को। इसी तरीके से पूरे राउंड में लगा देंगे और इसमें मैं आपको इसका दिखाती हूँ फाइनल लुक। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी अफगानी सलवार बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये जो है सलवार बन के रेडी हो गई है, बिना किसी जॉइंट के, जॉइंट भी इसके अंदर नहीं आया है। और इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अगर आपके फैब्रिक का जो है घेर जो है वो कम है, विद मतलब उसकी कम है, तो आप भी इस तरीके से को ट्राई करें एंड कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करें। इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।